एक ये बड़ी अच्छी पिक्चर है लैंड का यूज़, इसको ध्यान से देखना, लैंड का यूज़ कैसे चेंज हुआ है ओवर टाइम। शुरुआती दिनों में देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो रहा है, अच्छा खासा लैंड है इसके लिए, यहाँ जंगल भी है और यहाँ पर रेसिडेंशियल एरियाज भी हैं, मस्त है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। फिर इन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे करके यहाँ पर फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई, ये इलेक्ट्रिक लाइन बेचनी शुरू हो गई है, यहाँ पर ये भाई साहब भी आ गए। धीरे धीरे ये देखो ये जो इतना हरा भरा एरिया था ये कम हो गया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिडेंशियल एरियाज आ गए और बाकी सारी चीज़ें आ गई। अब लास्ट में क्या हुआ कि ये जो खेती थी ये खेती भी ख़त्म हो गई, इसके अलावा जो पीछे जंगल था वो भी ख़त्म हो गया और चारों तरफ क्या आ गया, बिल्डिंग्स आ गए, कॉन्क्रीट आ गया। इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ द लैंड यूज हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमने चैलेंजेस पढ़े ना उसका उल्टा कर दो। मतलब सिंपल सी बात है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला कि सर मुझे फीवर है, मेरे टांग में दर्द हो रहा है और मेरा ये सारी चीज़ें, आपने कंप्लेंट्स बताई, डॉक्टर ने क्या किया, उन कंप्लेंट्स के लिए मेडिसिन दे दी, आप ठीक हो जाओगे, सिंपल सी बात है, बिल्कुल वैसे ही। ओके सो हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, सिंपल सी बात है, उन चैलेंजेस का ट्रीटमेंट कर देते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे भाई, आपकी प्रॉब्लम थी कि आप ओवर ग्रेजिंग कर रहे थे, आपकी प्रॉब्लम थी कि आप जो है सॉइल इरोजन कर रहे थे, आपकी प्रॉब्लम थी कि भाई सेलिनाइजेशन हो रहा था, और बाकी ये जो प्रॉब्लम थी वो थी लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम थी। हम इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, हम इसी को ख़त्म कर देते हैं तो हमारा अपने आप कंजर्वेशन हो जाएगा लैंड का। सिंपल सी बात है, लैंड सेलिनाइजेशन को पकड़ लेते हैं पहले। सिंपल सी बात है कि भाई लैंड सेलिनाइजेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि हम एक गलत क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे थे गलत जगह पर। अगर वहाँ पर वाटर डेफिशिएंट एरिया है, अगर वहाँ पे पानी कम है, तो हमारे को फॉर ऑब्वियस रीजन वहाँ पे ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए जिससे कि वहाँ पर ये वाटर सेलिनाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो, मतलब वाटर इंटेंसिव क्रॉप का ना उगा के हम ऐसे क्रॉप को उगाएं जहाँ जो कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी किसकी, सॉइल इरोजन की। तो सॉइल इरोजन क्यों हो रहा था, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे। डिफॉरेस्टेशन करने से क्या हो रहा था भाई, पेड़ ही नहीं रहेंगे, घास ही नहीं रहेगी, नेचुरल वेजिटेशन ही नहीं रहेगी, तो सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई रहेगा नहीं। अगर सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो बारिश होगी और सॉइल को बहा के लेकर चली जाएगी, जिसको कि हम सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, और भी ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन बहुत लंबे समय में होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, इनफैक्ट हम पेड़ों को लगाएंगे, हम एफॉरेस्टेशन करेंगे। तीसरी बात आती है किसकी, लैंडस्लाइड्स की। सिंपल सी बात है, आप इको सेंसिटिव एरियाज में डेवलपमेंट और जो एनवायरनमेंट है इसके बीच में आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप मतलब अनब्रिटल्ड या फिर हम ये कहें कि अनस्टॉपेबल जो फॉर्मेशन है शहरों का, वो आप पहाड़ों में नहीं कर सकते। आप पहाड़ों में, आपको पहाड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको एनवायरनमेंट नेचर की इज्जत करनी पड़ेगी, और आपको वहाँ पे ऐसी चीज़ें इस तरीके से डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि ना ही डेवलपमेंट रुके और ना ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो एनवायरनमेंट को। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट था, चेक ओवर ग्रेजिंग एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। सिंपल सी बात है, वही उसी पॉइंट पे हम आ रहे हैं, सॉइल इरोजन के पॉइंट पे, क्योंकि सॉइल इरोजन केवल मैन मेड रीजंस के वजह से नहीं होता, नेचुरल रीजंस के वजह से भी होता है। उसमें ये होता है कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो तो खैर दोनों है, नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। क्योंकि क्या होता है कि जो शेपर्ड्स होते हैं वो ओवर ग्रेजिंग कराते हैं अपने जानवरों को। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जानवर क्या करते हैं, वेजिटेशन खाते हैं, घास खाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि घास और वेजिटेशन का काम क्या है, मिट्टी को पकड़ के रखना। अगर वो घास या वेजिटेशन नहीं रहेगी तो मिट्टी नहीं पकड़ के रह पाएगी, और जैसी बारिश होगी वो बहा के ले जाएगी, और फिर हमारे को आगे का रिजल्ट पता है उससे आगे क्या होगा। सो वी हैव टू स्टॉप overgrazing, we have to stop deforestation, we have to plant more and more trees, we have to go for afforestation, so we have to check unnecessary overconstruction in eco-sensitive zones like mountains, and we have to have the farming and agriculture according to the nature and the according to the climate of a particular area. If we do all such things, we can stop the land degradation, we can stop or we can put a road blockade on the challenges which are being faced by the land. So I think this is enough for the day. Hum ek kaam karte hain, लैंड एज अ रिसोर्स हम यही कंप्लीट करते हैं फर्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक साथ पढ़ोगे तो ना मैं पढ़ाने में अच्छा लगेगा और ना आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। सो विद दिस वी कंप्लीट हियर। आपसे बस एक ही एक्सपेक्टेशन है, प्लीज़ रिवाइज दिस, विदाउट रिवाइजिंग डू नॉट गो फॉर द सेकेंड टॉपिक।
नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहले रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से, उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक पे जाएंगे। थैंक यू सो मच।